आशा वर्कर की तरह तरह की परेशानियां हैं। उन परेशानियों से जूझते हुए जिन्हें अपने घर के अंदर भी काम करना होता है, परिवार को भी देखना होता है, उसके बाद में यदि क्षेत्र में से जितना उनका कैटेगरी होता है, जितना क्षेत्र होता है, अगर उसमें से कहीं फ़ोन आ जाता है तो उन्हें सारे काम छोड़ के, चाहे घर में पति बीमार है, बच्चा बीमार है, लेकिन जो पैसा जो इनके पॉइंट लगते हैं, अगर उनका पॉइंट किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, उन पॉइंटों के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। आइए उन पॉइंटों की बात करते हैं। हमारे बीच में एक महिला और हैं, उनसे जानकारी देते हैं। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम रेखा है। आपका जो क्षेत्र है, जो आशा वर्कर को जो क्षेत्र दिया जाता है, वो कितना बड़ा क्षेत्र दिया जाता है? 400 घर का दिया जाता है, जिसमें 2000 से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, और 2000 हमने हर घर के अंदर जाना पड़ता है, जिसमें हर घर के अंदर अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, हर तरीके। कई बार तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके घर हम जाना भी नहीं चाहते, उनमें से कोई ऐसे भी होता है, कोई जेल में पड़ा होता है, कि कोई जेब कतरा होता है, कोई कैसा कैसा, इतने गंदे गंदे लोगों के बीच में हमें काम करना पड़ता है, और काम करने के बावजूद हमें बड़े प्यार से उनके साथ व्यवहार करना पड़ता है। हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है जिसको लेके हम ये कह सकें कि भाई जो गवर्नमेंट हमारी रक्षा करेगी। उनमें से कोई तो ऐसा होता है कि हमें ऐसे धक्के मार के भगा देता है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम अपने आप कराना जानते हैं, इस तरीके से कहते हैं। कई लड़ने को आते हैं, और उसके बाद जब हम अपना काम करते हैं, बड़े प्यार से उन्हें समझा बुझा के कि हम जो सेवा दे रहे हैं वो आप लोगों के फ़ायदे के लिए, हम लोग जो गवर्नमेंट ने नियुक्त किया हुआ है वो आप लोगों के लिए तो नियुक्त किया हुआ है, और आप फिर भी उसको करने। कई कई तो लेडीज ऐसी मिलती है जो इंजेक्शन तक लगाना चाहती, जो 3-4 महीने से पहले ये बताना तक पसंद नहीं करती कि उनकी बहू प्रेग्नेंट है। आपको मैं बताऊँ, एक मेरे एरिया में है, मेरे बार बार समझाने के बावजूद भी वो घर में डिलीवरी कराने को तैयार होती है, और मैं जाती तो उन्हें कहती है तू कौन होती है, अरे हमें इतने जमानों से जानकारी है, मेरे बच्चे घर में हुए, मेरी बड़ी बहू के बच्चे घर में हुए, उसके घर में बच्चे, तू कौन होती है। ऐसे ऐसे लोगों के बीच में हमें काम करना पड़ता है, और हमारी सरकार ने कोई पहचान नहीं बना रखी, कोई ये नहीं कि अगर कल को जो एक बंदा तो कम से कम ऐसा हो जो हमारी बात को समझे, कि कम से कम उन लोगों को समझाए कि भाई तुम उनकी कदर करो, वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए काम है। इसके अलावा उसके कितने के बावजूद कई तो पता क्या करती हैं कि एक महीना की बहू हुई और हमने उसकी विजिट भी करी, उसको इंजेक्शन भी लगवाए, डॉक्टर के पास भी ले गए, उसे अस्पताल में भी ले गए, सारे काम कराने के बावजूद, और लास्ट में वो जो एक सवा महीने की हुई और उसे अपने मायके भेज देती है कि नहीं हमारे यहाँ तो रिवाज है मायके भेजने का, कि भाई डिलीवरी हुई 1-1.5 महीने के बाद मायके भेज देते हैं। तो हमारा उसको जो जन्म पत्री के बगैर हमारी होम विजिट नहीं मानी जाती, और उसके बाद हमें जन्मपत्री होनी चाहिए, 1.5 महीने का टीका होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ और डिलीवरी के पेपर हमें नहीं मिले तो हमारे जो नंबर काट ले जाते हैं, और RCH नंबर जो इतना इम्पोर्टेंट है, अगर हमारे नंबर जब बनते हैं, जब हम कम से कम महीने में 3 डिलीवरी हॉस्पिटल की करवाएंगे, 3 मीजल लगवाएंगे, अगर 3 में से एक बच्चा भी मीजल गांव चला जाता है या किसी और एरिया में शिफ्ट हो जाता है या कहीं और चला जाता है तो हमारे मीजल के नंबर गए। 3 बूस्टर होने चाहिए, और इसके अलावा हमें डायरी के नंबर मिलते हैं, हमें अपनी ट्रेनिंग के नंबर मिलते हैं, अगर इनमें से एक भी मिस हो जाती है तो हमारे पॉइंट सारे कट जाते हैं, और कटने के बावजूद फिर हमें इंसेंटिव नहीं मिल पाता। आपने बताया कि हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारी कोई इज्जत करता है, तो ये लोग कैसे माने, ये जो आपको देश देख रहा है कि आप आशा वर्कर हैं, तो आपके आशा वर्कर का क्या प्रूफ है? सर, हमारे पास एक आई कार्ड है, एक आई कार्ड मिला हुआ है, एक कोट मिला हुआ है, पर इतना इससे लोग संतुष्ट नहीं है। हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो भी धक्के मार के भगाते हैं, भाई अब जो ऐसी आशा वर्कर रोज दिन पे पता नहीं कितनी बार आती हैं, कोई तो नई नई आई है ऐसे। हाँ, हमारी इस चीज़ से कोई वो नहीं है, हमें एक प्रोटेक्शन दिया जाए कि कम से कम जब हमें ये कहा जाता है कि 400 घर के अंदर तुम्हें काम करना है और एक भी घर नहीं छोड़ना, अगर उस घर के अंदर एक गुंडे बदमाश का घर भी और हम उसके घर जाते हैं, अगर अचानक हम रात को लेके एक डिलीवरी पेशेंट को जाते हैं, अचानक रास्ते में उसे ज़्यादा तबीयत खराब हो, तो हमें यहाँ तक भी डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें ही पीटने लग जाए, इस तरह की है हमारे काम की, ना दिन की, ना रात की, ना सुबह की, शाम की, हमें किसी भी टाइम फ़ोन आ सकते हैं, कोई सीमा नहीं है, हमारा 24 घंटे हमें जागरूक होना पड़ता है।